Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए सभी जानते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्हें साइंस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों? आइए देखते हैं। तिरुचिरापल्ली मद्रास में 7 नवंबर 1888 को पैदा हुए चंद्रशेखर वेंकट रमन बचपन से ही पढ़ाई में तेज और अपनी उम्र के बच्चों से बहुत आगे थे। फिर 13 साल की उम्र में स्कॉलरशिप पे 12th क्लास पास कर उन्होंने अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया। यही सिलसिला उनकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में भी जारी रहा, जिस दौरान उनका पहला साइंटिफिक पेपर एक ब्रिटिश जर्नल में छपा। सीवी रमन के प्रोफेसर उनकी साइंटिफिक कैपेबिलिटीज से बहुत प्रभावित हुए और सीवी रमन के कॉलेज से पास आउट होने के बाद उन्होंने रमन को अपनी आगे की पढ़ाई इंग्लैंड जाकर पूरी करने का सुझाव दिया। रमन ने इंग्लैंड जाने का मन बना लिया, लेकिन उनके सपनों को बहुत बड़ा झटका तब लगा जब विदेश जाने से पहले किए जाने वाले मेडिकल एग्जाम में ये पता चला कि वे शारीरिक तौर से कमजोर हैं और उनका शरीर यूरोपियन देशों की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सीवी रमन का शरीर उनकी बुद्धि के स्तर पर खरा नहीं उतर पाया। उन्हें मजबूरन भारत में ही रहना पड़ा और उस समय फिजिक्स में हायर एजुकेशन के ज्यादा ऑप्शंस ना होने की वजह से उन्होंने अपने भाई के नक्शे कदमों पर चलते हुए इंडियन फाइनेंस सर्विसेज में नौकरी करनी शुरू कर दी। ये वही मौका है जहां कई लोग अपनी जिंदगी से समझौता कर लेते हैं और अपने सपनों के पीछे भागना छोड़ देते हैं, लेकिन सीवी रमन ने ये समझौता नहीं किया। कलकत्ता ट्रांसफर होने के बाद भी उन्होंने साइंस का पीछा नहीं छोड़ा। वो दिन में इंडियन फाइनेंस सर्विसेज की नौकरी करते और फिर देर रात तक इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस यानी IACS में साइंटिफिक रिसर्च का काम करते। सीवी रमन IACS से साइंटिफिक पेपर छापने वाले पहले मेंबर बने जब उनका एक पेपर नेचर मैगजीन में 1907 में छपा। सीवी रमन की सालों की मेहनत और डिटर्मिनेशन ने अब रंग लाना शुरू कर दिया था। साइंस के फील्ड में रमन के योगदान को देखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में उन्हें फिजिक्स प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया, पर क्योंकि वो PhD नहीं थे और प्रोफेसर बनने के लिए PhD जरूरी थी, उनकी अपॉइंटमेंट पर कई सवाल उठे और वो PhD जो वो इंग्लैंड से करते करते रह गए थे वही उन्हें सताने वापस आ गई। मगर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के वाइस चांसलर आशुतोष मुखर्जी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनको सपोर्ट किया। 1921 में मुखर्जी ने रमन को ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री दी, जिसकी वजह से उनकी प्रोफेसरशिप की अपॉइंटमेंट रद्द होते होते बच गई। उनके शरीर को भी उनके ज्ञान और बुद्धि का साथ देना पड़ा और उन्होंने आखिरकार अपनी इंग्लैंड की यात्रा के लिए मेडिकल एग्जाम पास कर लिया। उसी साल इंग्लैंड में उन्होंने कांग्रेस ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड में लेक्चर दिया। 1926 में सीवी रमन ने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की शुरुआत की, जिसमें उनका फेमस आर्टिकल अ न्यू रेडिएशन छपा, जिसमें रमन इफेक्ट की खोज शामिल थी। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज से नवाजा गया, जो पूरे एशिया में अभी तक किसी को नहीं मिला था। ये वही सीवी रमन थे जिनको किसी समय विदेश नहीं जाने दिया गया था और अब वही सीवी रमन विदेश भ्रमण कर भारत का नाम रोशन कर रहे थे। 1947 में सीवी रमन को आजाद भारत का पहला नेशनल प्रोफेसर घोषित किया गया। उसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो आज भी अपने स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती है। भारत सरकार ने 1954 में उन्हें अपने साइंस के योगदान के लिए भारत रत्न देकर अमर कर दिया। उनका कहना था कि आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर, इफ आई नेवर फेल हाउ विल आई एवर लर्न। उनकी लाइफ की स्टोरी सुनकर लगता है ये वाकई सच है।